बंद नहीं होता ठीक है। और ये हाथ से तो मैं बहुत परेशान थी, छठ के समय से ही बहुत परेशान थी। और ये ऐसे दर्द करता है, बाएं जो कंधा का जोड़ होता है ना, वहां से लेके पूरा उंगली तक कभी अंगड़ने लगता था, कभी मसल्स में बहुत ज्यादा पेन हो जाता था, कभी इसके जोड़ में हो जाता था। बहुत परेशान थे हम। मालिश वगैरह कराते थे तो थोड़ा कुछ ठीक रहता था। तो कल हम ऐसे ही याद आया कि हम एक बार आपसे बात करें कि क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये और एक चीज और भी हम देखे कि पेट में अगर कब्ज बनता था उस टाइम ये दर्द और बढ़ जाता था। तो आपको कल मैसेज किए, मैसेज करने के बाद आपका एक हम पोस्ट देखे जिसमें आप दूध में लहसुन के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो हम देखे तो सोचे, आपका रिप्लाई आया नहीं था तो हम सोचे कि हमको शायद लेना चाहिए इसको। जी, तो ये हस्बैंड को तो अस्थमा का मतलब है, तो हम ठंडा में दूध देते हैं तो उसमें लहसुन डाल के ही देते हैं। तो उसी में हम अपने लिए भी बनाए और वो वाला दूध पिए। और एक बाजू पे मतलब दबाने पे ना डकार भी निकलता है, दर्द होता है, तो इसको जब हम दबाते हैं तो डकार भी निकलता है। तो यानी इस गैस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और रात हम अजवाइन और गुड़ खा के सोए, ठीक है। ये दो चीज किए, लेकिन हमको फर्क ये दिखा कि रात में बाजू में दर्द मतलब बहुत कम था। हाँ, अभी भी दर्द बहुत कम है। इतना पे रहता तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन दर्द होता है तो एक गिलास पानी भी नहीं उठता है इस हाथ से। कोई बात नहीं, ऐसा है, कंटिन्यूटी में रख लीजिए। अच्छा हाँ, और ये देखिए, जो भी होता है अच्छा होता है, कम से कम आपने अपने हिसाब से कर लिया, आपको पता चल गया कि एक ही दिन में इतना फर्क नजर आ गया। हाँ हाँ एक ही दिन में हमको सच में, रात हम जब नींद खुल जाता था तो नींद लगता नहीं था दर्द के कारण। हाँ, लेकिन रात हम जब जब नींद खुला तब तक मेरा दिमाग हाथ पे ही जा रहा था, तो हाथ में दर्द बहुत कम लगा। बहुत बढ़िया, आप इसे पूरी सर्दी रख लीजिए, ठीक हाँ होने के हाँ बावजूद भी पूरी सर्दी रख लीजिएगा। अच्छा, ये लहसुन वाला दूध, हाँ जी, हाँ जी, अगर दूध ना हो तो पानी में भी उबाल के पी सकते हैं। पानी में भी पी सकते हैं, लेकिन इसका दूध सर्दियों के मौसम में ना, दूध में इसका अच्छा गुण अलग हो जाता है। और आपको उधर तो मिलता ही होगा दूध वगैरह। हाँ, नहीं दूध तो मिलता है, बस वही है कि सर्दी में दही खाना बंद करना पड़ेगा ना। हाँ, दही तो ऐसे भी, दही तो सिर्फ कार्तिक कार्तिक खाते हैं, कार्तिक के बाद तो ऐसे ही दही नुकसान कर जाता है। हाँ, तो नहीं खाना चाहिए इधर। हाँ, कोई बात नहीं है, तब तो दूध दूध अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं है। और बाकी ये अजवाइन वाला जो है, गैस जो बन रहा है, इसके लिए अजवाइन हमको लेना चाहिए ना। हाँ, अजवाइन ले लीजिए।